हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब जल्दी करो नाटक कम। कितनी गंदी पिक्चर है। बहुत अच्छी फिल्म है, चलो तो सही। तुम्हें कोई और फिल्म भी मिले मुझे दिखाने के लिए। इस फिल्म में बुराई क्या ये बताओ तुम। मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी भूतिया डरावनी फिल्में। तुम्हें पसंद नहीं है या डर लगता है? मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, समझे? हाँ। और वैसे भी ना ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। तुमसे अगर ये बोला जाए फिल्म तुम्हें अकेले देखनी है, अकेले देख सकती हो? हाँ। अरे जरा पास तो आओ। तुम्हें पता है अंग्रेजी हॉरर फिल्म के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ था जब उसने अपनी ही फिल्म अकेले देखी थी? मालूम है क्या हुआ था। तभी मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? और ना ही मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब एक लड़का लड़की फिल्म देखने आते हैं तो उनको रोमांटिक फिल्म देखनी चाहिए, ना कि ऐसी भूतिया पिक्चर? अगली बार तुम्हें रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। वो तुम्हारा फेवरेट हीरो, क्या नाम है, अरमान कुमार। खुश? हाँ खुश, जल्दी करो। वैसे भी ना हॉरर हो या रोमांटिक हो, लेकिन पैसे तो वसूल होने चाहिए। सही बात है। सीट नंबर क्या है? अरे वो बताएगा ना, थोड़ा आगे। चेतावनी, आतंकवाद से लड़ने में हमें सहयोग दें। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर अगर कोई लावारिस पड़ी चीज दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। वो लावारिस पड़ा वाहन या बैग एक बॉम्ब भी हो सकता है। फिल्म का आनंद लेने से पहले अपनी सीट के नीचे जरूर चेक करें। हमारी थोड़ी सी समझदारी बड़े हादसों को टाल सकती है। धन्यवाद। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बम तो नहीं है? मोहन, तुम्हारे मजाक बिना बिल्कुल तुम्हारी तरह बोरिंग हो गए हैं। अरे मैं तो अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने की बात कर रहा था। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो, मैं देख लेता हूँ। शकुन, तुम्हारी सीट के नीचे बैग है। मोहित, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना सकते हो? तुम्हारे सर की कसम, नीचे बैग है। सच में? हाँ देखो ना। ओह माय गॉड, नीचे तो सचमुच में बैग है, कहीं इसमें बम तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करें? इस बैग में किस तरह का बॉम्ब है। अरे इस बैग में तो बॉम्ब नहीं है, तो फिर क्या है? एक मिनट देखते हैं। अरे ये क्या, सर इसी बैग में कटा हुआ हाथ है। पिछला शो खत्म होने के बाद बेटे की साफ सफाई नहीं करते हो क्या? करवाया था सर, पर उस वक्त ये बैग यहाँ नहीं था। शायद शो शुरू होने से कुछ ही मिनटों पहले किसी ने रख दिया। किसी ने लाश को पहले काटा है, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और अब वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा है। साथ को यहाँ पे रखा है, शायद शरीर का बाकी सब यहीं कहीं होगा। सर चेक करना। नहीं सर। एक बात बताइए सर,
ये सिनेमा हॉल अजीब जगह नहीं लगती आपको हाथ छुपाने के लिए? हाँ सर, अक्सर खूनी जंगलों में या ऐसी कोई सुनसान जगह पर लाश को ठिकाने लगाते हैं। ये सिनेमा हॉल की सीट के नीचे, पता नहीं इस खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये हाथ तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्या सर? ये देखो, हाथ को काटने के बाद भी कहीं पे भी खून का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि खूनी ने हाथ काटने के बाद एकदम साफ कर दिया इसे। हाँ सर, हाथ को इतने अच्छे से साफ किया कि खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही है। हाँ, ये चक्कर कुछ और ही लगता है। हाथ पे कहीं पे भी कोई सूजन नहीं है, ना ही लाल पड़ने का कोई निशान है। मैनेजर साहब, कोई आपके थिएटर में बैग लेके आता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती? होती है सर, पर पता नहीं सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गलती? एक आदमी का कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर लाया गया है और आप उसे गलती कह रहे हैं? आपके थिएटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? जी सर। सर ये देखिए, ये शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाहर का फुटेज दिखाना था। जी सर, दिखाता हूँ। अरे सर, ये वही वाला बैग है जो हमें थिएटर के अंदर मिला था। ये है वो आदमी जो कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर छोड़ के गया। तो एक काम करना, ये आदमी थिएटर से कितने बजे बाहर निकला वो दिखा। सवा 12 बजे अंदर गया और 12:20 को बाहर। 5 मिनट में अपना काम कर गया ये, मगर जाते जाते अपना खूबसूरत चेहरा दिखा के गया है। अब ये नहीं बचेगा। इसके हाव भाव से लगता नहीं है घबराया हुआ है। कहीं ये पेशेवर खूनी तो नहीं है? पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीरें हर जगह भेज दो और क्रिमिनल डेटाबेस में भी चेक करो। सलून के, कुछ बातचीत हुई हाथ के साथ? क्या बताया इसने कि किसका हाथ है, किसने काटा इसे, कैसे काटा इसे? बस इस हाथ ने बताया कम, पूछा ज्यादा। क्या इस हाथ ने उल्टा आपसे सवाल पूछ लिया? हाँ ब्रेडी, और सवाल नहीं पूछा, सीधे पहेली पूछ डाली और कहा कि अपने आप को बहुत 30 मार्क का फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझते हो ना, तो ये पहेली सुलझा करके देखो। ऐसी क्या पहेली है डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर दें। हाँ जरूर दें, वैसे भी यार आज तारीखा नहीं आई है, शायद आप लोग मेरी मदद कर दें। ये देखो, हाथ का ये वाला हिस्सा यहाँ कलाई के पास, बस ये हिस्सा अभी भी बहुत ज्यादा नरम है, सूख करके सख्त नहीं हुआ। इसमें हैरानी की क्या बात है सालूंगे साहब, कई लोगों के हाथ नरम होते हैं, कईयों के सख्त होते हैं, है ना? रेडे, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो यार। देखो, जब किसी इंसान का कोई अंग काट करके अलग किया जाता है तो वहां से बहते हुए खून को रोकने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है ताकि वो खून बहना बंद हो जाए, सूख जाए, लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इस इंसान के दिमाग ने कोई सिग्नल दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया, बल्कि इस हाथ की तो सारी नसें, सब हड्डियां सही सलामत है, कहीं से कुछ कटने का निशान नहीं है, कहीं पर कोई नर्व टूटी या कटी हुई नहीं है। यार ये तू कैसे कह सकता है सामके? देख, किसी भी इंसान का हाथ अगर काटा जाए या उखाड़ा जाए तो जहां से भी ये काटा गया हो या उखाड़ा गया हो वहां पर बाकी नसें या हड्डियां तो होंगी होंगी ना। तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो बॉस, लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे, बल्कि इस हाथ को देख करके लगता है कि ये हाथ किसी शरीर का हिस्सा ही नहीं है, इस हाथ की अपनी एक अलग हस्ती है, अलग है ये हाथ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आप पहेलियां बुझा रहे हैं। मैंने कहा था ना दया, ये बहुत टेढ़ी पहेली है ना, कहा था ना। और बताता हूँ बॉस, इस हाथ को लैब में पड़े हुए पूरे 5 घंटे हो गए, लेकिन इस हाथ के सड़ने की गति इतनी धीमी है कि आधा घंटे वाले लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे इस हाथ में। उंगलियों के निशान मैच हुए? नहीं, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में तो मैच नहीं हुए, लेकिन मैंने ये निशान दिल्ली भेजे हैं सेंट्रल डाटाबेस में, वहां पर तो हर आम आदमी की उंगलियों के निशान होते, शायद किसी से मैच हो जाए। हेलो, क्या लाश कहां पे? यही जगह बताई थी ना उस आदमी ने? हाँ सर, लेकिन यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल है, जिस आदमी ने फोन किया खुद ही गायब है। सर कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया? वो तो सकता है। लाश,
ये तो वही आदमी है जो सिनेमा हॉल में बैग में कटा हुआ हाथ रखने गया था। अभी तक हम सोच रहे थे इसने किसी का खून कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने इसे ही मार दिया है। साथ मारा है, पता नहीं क्या चल रहा था इस आदमी के दिमाग में। सिनेमा हॉल में कटा हुआ हाथ रखने गया और यहाँ पे खुद शिकार हो गया। सर हो सकता है इसने हाथ काटा ही ना, और इस जुर्म में इसका कोई संबंध भी ना हो। संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन पता तभी लगेगा जब हमें इस आदमी की पहचान मालूम होगी। इसके जेब में देखो कोई मोबाइल पर्स वगैरह। नहीं सर कुछ भी नहीं। कौन के चीटे? ये देखा, ये इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इतना सारा खून पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस आदमी को यहाँ पे चाकू मारा गया। लेकिन सर अगर उसने इस आदमी को यहाँ पे मारा है तो ये यहाँ से वहाँ तक गया कैसे? वो चाहता तो उसको यहाँ पे भी मार सकता था। हो सकता है जब खूनी ने इसे चाकू मारा हो तो किसी ने उसे देख लिया और खूनी यहाँ से भाग गया, और ये आदमी यहाँ से रेंगते रेंगते यहाँ तक आया और यहाँ पे इसने अपना दम तोड़ दिया। जब इसे चाकू लगा होगा तो ये मदद के लिए चीखा चिल्लाया होगा। किसी ने इसकी चीख सुनी कैसे? नहीं, एक काम करो, जरा यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबको बुलाओ, इकट्ठा करो। हम सच कह रहे हैं सब, हमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। बकवास कर रहे हो तुम, एक आदमी का खून हो गया, तड़प तड़प के मर गया वो, और किसी ने कुछ देखा नहीं है ना ही कुछ सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं साहब। तो फिर पसीने क्यों निकल रहे? साहब गर्मी बहुत है इसलिए। गर्मी बहुत है, बारिश हो चुकी है, मौसम ठंडा है और तुम्हें पसीना निकल रहा है। देखो जो कुछ जानते हो चुपचाप बता दो, तुम्हें फोन किया था ना? हाँ साहब। तो फिर भागे क्यों? यहाँ पे रहना चाहिए था ना तुम्हें। साहब मैं डर गया था, मैंने सोचा फोन करके मैंने कोई गलती कर दी, मैं CID के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। CID को फोन करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया तुमने। अगर इस आदमी की जगह तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार का कोई आदमी होता तब भी तुम यही करते, मदद करते कि नहीं? हाँ साहब। बताओ क्या देखा तुमने? कल रात की बात है साहब। रुक जाऊंगा, तेरा भांडा बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने फूटने वाला है। क्या करेगा, क्या करेगा? मार दूंगा तुझे, इससे पहले कि CID मुझ तक पहुंचे खत्म कर दूंगा तुझे। अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे ए, रुको। अरे भाई भाई साहब, अरे क्या हुआ? रुके भाई साहब, अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ मैं। ये तो मर गया, अब क्या करूँ मैं? उस आदमी ने बाएं हाथ से चाकू मारा था। हाँ साहब। सर वो आदमी जिंदा तो नहीं है जिसका कटा हुआ हाथ हमें थिएटर मिला था, बाद में उसने इस आदमी का खून कर दिया हो? ये तो तभी पता चलेगा जब वो आदमी हमें मिलेगा। हेलो, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। उस आदमी का पता चल गया है, वो एक बिजनेसमैन है और उसका नाम सौरभ है। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? सौरभ जी का घर यही है ना? जी हाँ। सुनील कौन है? मैडम ये लोग CID से। CID से? जी देखिए, हमें एक आदमी का कटा हुआ हाथ मिला है। क्या, कटा हुआ हाथ? जी, और वो हाथ आपके पति सौरभ का है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मैम, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। उस कटे हुए हाथ के उंगलियों के निशान आपके पति सौरभ की उंगलियों के निशान के साथ मैच होते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए, मैं सौरभ को बुलाती हूँ। सौरभ, क्या हुआ रीमा? ये CID वाले हैं। CID? और इनका कहना है कि इन्हें कटा हुआ हाथ मिला है जिसपे आपके उंगलियों के निशान है। What nonsense? मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जो कटा हुआ हाथ मिला था उसके उंगलियों के निशान और इनके हाथों के उंगलियों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? वही तो, दो अलग अलग लोगों के उंगलियों के निशान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ जी आप प्लीज हमारे साथ हमारे CID के फोरेंसिक लैब चलिए, हम आपके उंगलियों के निशान चेक करना चाहते हैं। अजीब मुसीबत है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने का क्या मतलब? फिर भी प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कटा हुआ हाथ है किसका और उसकी उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों के निशान के साथ कैसे मैच होते हैं।
क्यों मैच हो गया? और कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट, अभी डीएनए रिपोर्ट आ रही है। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। हांगकांग से कोई डेलीगेट्स आए हैं, आप तो जानते हैं वो लोग टाइम के कितने पक्के हैं। सौरभ जी आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी मीटिंग के लिए सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, समझे? सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर, कौन है ये आदमी? वही आदमी है जिसने ये कटा हुआ हाथ थिएटर में छोड़ दिया था। ओह माय गॉड, क्या हुआ सोलंकी? बॉस ये डीएनए रिपोर्ट का मेल आ गया है। आप इसके लिए चौंके क्योंकि आपको पता चल गया कि ये हाथ मेरा नहीं है, करेक्ट? भाई साहब मैं इसलिए चौंका कि मुझे पता चल गया कि ये हाथ है तो आप ही का। क्या? और सिर्फ वो हाथ ही नहीं, इसके फिंगरप्रिंट्स और उसकी डीएनए रिपोर्ट ये भी आप ही से मैच करती है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, ये देखिए आपके सामने है। इनमें से कोई भी हाथ आपको नकली लग रहा है? नहीं, मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये दोनों हाथ आपके सही सलामत हैं, ये दोनों हाथ नकली नहीं है। लेकिन जैसे ये बात सही है वैसे ही वो भी बात सही है कि वो जो हाथ है वो भी आप ही का है। इसका मतलब मेरे 3-3 हाथ हुए। देखिए मेरे पास आपकी बातों के लिए टाइम नहीं है, प्लीज मुझे देर हो रही है अपनी मीटिंग के लिए, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है, जाइए। थैंक यू। डॉक्टर सर, अब ये क्या चक्कर है? किसी इंसान के 6 उंगलियां होती है ये तो हमने देखा है, पर किसी इंसान के 3-3 हाथ? हाँ यार दया, बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या है। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती, बॉस ये हाथ तो इसी सौरभ का है, अब कैसे है ये नहीं पता चल पाया। दिमाग खराब कर देता है तू सोलंकी यार, तेरे पास इस उम्मीद से आते कि तू कोई तो सुराग देगा जिसकी वजह से हम केस को आगे ले जा सकते, लेकिन नहीं, दिमाग घुमाने के अलावा और कुछ करता ही नहीं है तू। अरे बाबा नाराज क्यों होते हो, देता हूँ सुराग भी देता, और इस बार ऐसा सुराग दूंगा कि तुम मुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाओगे। बोलो एक ये देखो। क्या ये? मेमोरी चिप। जी हाँ, ये मेमोरी चिप पता है मुझे कहां से मिली? कहां से मिली? ये यहां इस आदमी के कंधे पे से। ओह, ये आदमी कंधे पे इस चिप को छुपा के घूम रहा है, मतलब इस चिप में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। बिल्कुल, और क्या गहरा राज छुपा हुआ है ये हम इस चिप को कंप्यूटर में लगा के देखते हैं। आइए। जतिन कुमार, हेमंत, दिव्येंदु, सुशील, चिरा, ये तो शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ सर, और वो देखो लिफ्ट के सबसे नीचे सौरभ का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ मगर सर, ये मरा हुआ आदमी चिप में इन सारे बिजनेसमैन के नाम लेके क्यों घूम रहा होगा? दया, जरूर इस मरे हुए आदमी का इन बिजनेसमैन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, पर क्या क्या होगा कनेक्शन? सर सभी नामों के आगे नंबर्स लिखे हुए बड़े अजीब लग रहे, ये किस चीज के नंबर हो सकते? हाँ है तो बड़े अजीब नंबर, लगता है ये किसी खुफिया बैंक अकाउंट के नंबर्स हैं, किसी विदेशी बैंक के। हाँ सर, इस आदमी ने इन सारे बिजनेसमैन के काले धंधे का भांडाफोड़ करने की सोची होगी और इसीलिए मारा गया। मगर सर अगर ऐसा है तो फिर इस सौरव ने इस आदमी को पहचाना क्यों नहीं? फिर हमसे झूठ तो नहीं बोलना था? हो सकता है सौरभ झूठ बोल रहा है हमसे। इस आदमी के कंधे में से हमें मिलती है एक मेमोरी चिप जिसमें होता है शहर के बिजनेसमैन के नाम और शायद उनके बैंक अकाउंट नंबर्स भी, और फिर ये हाथ, ये कटा हुआ हाथ जो सौरभ का है भी और नहीं भी। हाँ निखिल, बैंक वगैरह में पता किया इन नंबर्स के बारे में? किसी भी बैंक के अकाउंट नंबर्स नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल बैंक्स के भी नहीं है? ठीक है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। सर उस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन के नाम है मैं एक एक के घर से होके आ रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ पता चला है उनके नाम के आगे जो नंबर्स हैं उनका राज क्या है? नहीं सर, इसी बात की तो हैरानी है मुझे, उनमें से कोई ये नहीं जानता कि उनके नाम के आगे वो नंबर क्यों लिखा है, उसका महत्व क्या है? बड़ी जरूर कोई ना कोई महत्व तो है,
इस नंबर्स का इस केस के साथ। उस आदमी के लाश में से हमें ये चिप मिली है जिसमें शहर के रईस लोगों के नाम है और ये नंबर्स हैं। क्या हो सकते हैं ये नंबर्स? सर मैं सौरभ के घर से आ रहा हूँ। सौरभ के ड्राइवर ने एक खास बात बताई। क्या खास बात? यही कि वो हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल जाता है। हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल? कि उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त भर्ती है क्या इस हॉस्पिटल में? नहीं सर, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये बात उसे छिपाने के लिए कही गई थी। यहाँ तक कि सौरभ की बीवी को भी ये बात नहीं मालूम। कहीं सौरभ को कोई बीमारी तो नहीं थी जिसका वो चोरी छुपे इलाज करा रहा हो? अब ये तो सीडी के हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ठीक। डॉक्टर सुमित जी? हाँ, आप लोग कौन? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ सीआईडी। बाहर रिसेप्शन पे पता चला कि बिजनेसमैन सौरभ का इलाज आप ही करते हैं। जी हाँ, लेकिन इस इलाज का सीआईडी से क्या लेना देना? डॉक्टर सुमित, हमें एक लाश मिली है, एक खून हुआ है और खूनी को ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आप लोगों की कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे कुछ सवालों का जवाब देकर। जी पूछिए। आप सौरभ जी का इलाज कर रहे हैं ना? क्या बीमारी है उनको? उनका बायां हाथ गैंग्रीन से ग्रस्त है। गैंग्रीन? ये गैंग्रीन क्या होता है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में मरीज के हाथ के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हाथ को धीरे धीरे खोखला कर देता है, और जब इस बैक्टीरिया की शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हाथ को शरीर से काटकर अलग करना पड़ता है ताकि ये बीमारी शरीर के किसी दूसरे भाग में न फैल सके। मतलब सौरभ जी की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि उनका हाथ काटना पड़े, हैं? हाँ, मगर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अगले 6-8 महीनों में उनका हाथ काटना पड़ेगा। 6-8 महीनों में हाथ काटना पड़ेगा? तो इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपा के रखी है अपनी बीमारी के बारे में। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि बेवजह ये सब जानकर उनके घर वाले परेशान हों। सर आपके साइन चाहिए थे। सर यार तो फिर आ गया तुम, इंश्योरेंस वाले भी बहुत परेशान करते हो। जितना ऑटोग्राफ किसी एक्टर को नहीं देना पड़ता है उतना सिग्नेचर तो हम आम आदमी से ले लेते हो। सर आप कौन से किसी सेलिब्रिटी से कम है? तुम लोगों की वजह से ही मार्केट में मक्खन का भाव बढ़ गया है। एक्सक्यूज मी सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। जी चलो। सौरभ जी का बायां हाथ कटने वाला है 6-8 महीनों में, और हमें मिला है एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही बायां हाथ जिसका डीएनए मैच होता है सौरभ के डीएनए के साथ। मतलब सौरभ जी ने पहले से ही इंतजाम करके रखा है नए हाथ का। हेलो, हाँ क्या? देखिए आप घबराइए मत, हम लोग पहुंचते हैं। सर सौरभ की पत्नी रीमा का फोन था, सौरभ को घर से गुंडे उठा ले गए। रीमा जी। सर आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, वो गुंडे सौरभ को लेके चले गए। क्या आपने उन्हें देखा? पहचान दिए आप उन्हें? नहीं, सबने मुंह ढके हुए थे अपने, मैं किसी को नहीं देख पाई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, उन लोगों ने मुझे इतना धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और तब तक वो सौरभ को लेके निकल गए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम सौरभ जी को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। सर बस अब आपका ही सहारा, बचा लीजिए उन्हें, देखिए उन्हें कुछ हो ना जाए। तुम कहाँ थे जब हमला हुआ? सर मैं उस समय मार्केट गया था, जब वहाँ से आया तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका था। रीमा जी आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी क्या? जी नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें कुछ हो ना जाए। अब घबराइए मत, हम सौरभ जी को कुछ नहीं होने देंगे। रीमा जी जरा याद करके बताइए, क्या वो किडनैपर आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो क्या आपने कुछ सुना शायद कोई बात जिससे हमें मदद हो सके उन तक पहुंचने के लिए? याद करके बताइए। सर वो गुंडे तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने सौरभ के मुंह से सुना था कि वो कह रहे थे उन्हें कोई इलाज नहीं करवाना है, उन्हें छोड़ दो। कोई इलाज नहीं करवाना? हाँ, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, जब सौरभ को कोई बीमारी ही नहीं थी तो वो किस चीज का इलाज करवाना चाहते? रीमा जी हमें पता है सौरभ किस इलाज के बारे में बात कर रहे थे। क्या मतलब? समझ में नहीं आता आपको बताएं या नहीं, सौरभ जी के बाएं हाथ में गैंग्रीन हुआ है, वो हाथ अब धीरे धीरे सड़ने लगा है। क्या? सर ये केस तो दलदल की तरह ढसता ही चला जा रहा है। जब हम
सौरभ के तीसरे हाथ के रास तक पहुंचे तो किसी ने सौरभ को ही अगवा कर लिया। मुझे लगता है सर ये हमें कुछ बता सकता था जिससे खूनी तकलीफ में आ जाता। लो बस पता चल गया, बस पता चल गया कि ये हाथ इतना धीरे धीरे क्यों सड़ रहा था। क्यों सड़ रहा था सर? बस इस हाथ को हिडन गुडाल नाम के केमिकल में डुबो करके रखा गया था। हिडन गुडाल है क्या ये? बस ये एक ऐसा केमिकल है जो न सिर्फ इंसान की चमड़ी को बल्कि उसके भीतर के अंगों को, उसकी नसों को भी ठीक वैसे ही संभाल करके रखता है जैसा उसे डुबोने के वक्त था। इसका मतलब है डॉक्टर साहब ये बताना मुश्किल है कि ये हाथ कितने समय से इस केमिकल में रखा गया था। बिल्कुल दया, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ कह नहीं सकते, फिर दिमाग खराब कर दिया यार सारून के। अरे यार तेरे पास कोई तो जवाब होना चाहिए ना। है जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस बात का जवाब हमें तातियाना मछली देगी। तातियाना मछली? अब क्या मछली जवाब देगी सालों के साथ? अरे यार पेड़ी, मछली कभी जवाब देती है क्या? अरे तो आप ही ने कहा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात का जवाब तातियाना मछली में है। तो सर फिर देर किस बात की बताइए। बस तातियाना मछली एक बहुत खास किस्म की डिश होती है और मुझे इस आदमी के पेट में इस मछली के अंश मिले। तो इसका मतलब है इस आदमी ने मरने से पहले ये तातियाना मछली खाई थी। बिल्कुल, और वो भी मस्टर्ड सॉस के साथ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इस शहर में इस तरीके की डिश बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा इस शहर में ऐसे कितने होटल्स हैं जहाँ पर ये तातियाना मछली मिलती है। उसमें देखते हैं। आइए आइए सर। आप अच्छे मौके पे आए हो सर। आज हमारे रेस्टोरेंट के 5 साल पूरे हो गए सर, इसीलिए आज यहाँ पे हर डिश पे 30% डिस्काउंट है सर। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। होटल की वर्षगांठ आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। कहिए सर क्या खाना पसंद करेंगे आप? जी हमें तातियाना मछली खानी है, मिलेगी? मिलती है सर, बल्कि वो हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है सर। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे शहर में हमसे अच्छा तातियाना मछली कोई नहीं बनाता सर। फिर तो आपने इम भाई साहब को जरूर देखा होगा आपके रेस्टोरेंट में, आपके यहाँ की स्वादिष्ट तातियाना मछली खाते हुए। हाँ मैडम, ये भाई साहब अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके दोस्त है क्या? ये ऐसे ही समझ लीजिए, पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत? कैसी दिक्कत सर? एक्चुअली हम लोग दूसरे शहर से आए हैं तो अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहते थे, पर ये इनका एड्रेस ही खो गया। पता खो गया? हाँ जी, उनके मुंह से आपकी रेस्टोरेंट का नाम कई बार सुना था तो सोचा तुक्का मार लेते हैं, शायद आपके यहाँ से पता मिल जाए। हाँ जी जी, मिस्टर अंगद हमारे रेस्टोरेंट से अक्सर होम डिलीवरी मंगवाते। अच्छा अच्छा, इनका नाम अंगद है। कुछ कहा आपने? अरे नहीं, ये क्या कहेगा, काफी दिनों से अंगद से मिला नहीं है ना तो कुछ भी बोलता है। अच्छा अच्छा, रमेश जी सर, अपने कंप्यूटर से मिस्टर अंगद का पता निकाल के देना सर को। दरवाजा खोलने, खोलो। तो खाली है, कोई भी नहीं है घर में, देखो जरा। ये देखिए सर, यहां पे बुक्स पड़ी हुई है और वो भी साइंस की। ह्यूमन बॉडी, DNA replication standard facts. ये अंगद ने वो हाथ
ऑडिटोरियम की सीट के नीचे रखा था ना? हाँ सर। उस हाथ का डीएनए सौरभ के डीएनए के साथ मैच भी हुआ था? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगद रिसर्च कर रहा था क्लोनिंग पर, शरीर के अंग बनाने पर? हाँ सर, इन सबको देख के तो ऐसे लगता है। सचिन, जरूर इस अंगद के खून का राज इस रिसर्च से संबंधित है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है अंगद के खून का। घर को अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो, कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा। कुछ मिला है? ये देखिए, कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर इस पेंटिंग के पीछे था। ये मिट्टी का कार्ड है। ये कोई मामूली कार्ड नहीं लगता। मामूली तो नहीं है फ्रेडी, ये कोई खास कार्ड है, किसी खास चीज का कार्ड, और इसीलिए तो इतना छुपा के रखा इसे इस पेंटिंग के पीछे। ये आदमी इस कार्ड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता होगा? कोई तो चीज है इस घर में, शायद कोई अलमारी, कोई दरवाजा, कोई ड्रॉर जो खुलता है इस कार्ड से। ढूंढो घर को अच्छी तरह से, देखो है कोई ऐसी जगह जहां पे एक कार्ड लग सकता है। इस कमरे में तो ऐसी कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही जहां पे ये कार्ड लगाया जा सके। सचिन, अगर घर में नहीं तो फिर बाहर जरूर है। बाहर जरूर है, ये अंगद जरूर बार बार बाहर जाता था किसी ऐसी जगह जहां पर इस कार्ड से कोई बंद दरवाजा खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसके पीछे इस केस का राज छुपा है। सर, हाँ, पड़ोसी ने हमें बताया था ना कि खुद की गाड़ी होने के बावजूद भी अंगद आने जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करता था। तो रिक्शा स्टैंड पे जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ ये अंगद जाता कहाँ था। आपको ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद है या टैक्सी में? वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, ऑटो का अपना अलग ही मजा है। क्या है कि दोनों तरफ से ऑटो खुला होता है, हवा अच्छी आती है। हाँ, ये बात तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी एक ऑटो खरीद लूं ब्यूरो में आने जाने के लिए। आइडिया बहुत अच्छा है, अब तक खरीदा क्यों नहीं? डर लगता है कहीं रास्ते में किसी ने रोक लिया तो यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, फिर तो ब्यूरो में पहुँचने में देर हो जाएगी। और आप तो जानते हैं एसी भी साहब मुझे। ये बात तो है। एक मिनट कहिए साहब, कहाँ जाएंगे? जाना कहीं नहीं है, बस हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, सीआईडी से। ये इस फोटो को ध्यान से देखो, क्या इस आदमी को तुमने अपने ऑटो में बैठा के कहीं छोड़ा है? नहीं साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम इनको छोड़ें, ये हमारी ऑटो में जाएं। क्या मतलब? साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू की ऑटो में जाते हैं और किसी की नहीं। पप्पू की ऑटो में? जी साहब, और ये पैसे भी मीटर से नहीं देते साहब। मन किया तो 500 रुपए, मन किया तो 1000 रुपए। ये पप्पू के लिए लॉटरी की टिकट की जैसे हैं साहब। जिस दिन ये पप्पू की ऑटो में बैठते हैं, पप्पू किसी को नहीं बैठाता। अच्छा, ये पप्पू को ऑटो में बैठा के लेके कहाँ जाता साहब? ये तो पप्पू ही जाने कहाँ रहता है। ये पप्पू सामने। माफ कर दो साहब, अब ये आगे से नहीं होगा। क्या माफ कर दो? तुम भी हो पप्पू? हाँ साहब, अपन ही पप्पू है और आगे भी अपन का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। अगला मजाक सोच समझ के करना, हंसना भूल जाएगा तू। हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? जी हाँ, ये आदमी हमेशा तुम्हारी रिक्शा में जाता था ना? जी हाँ, ये तो अंगद साहब की फोटो है। अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारी रिक्शा में बैठ के कहाँ जाता था? अब क्या बताओ साहब, जहाँ मूड होता था वहाँ चले जाते थे, कहीं फिल्म देखने तो कहीं किसी और जगह। अरे लेकिन कोई तो ऐसी खास जगह होगी जहाँ ये जाता था अक्सर। हाँ साहब, एक जगह तो है। कौन सी जगह? महिमा क्लिनिक। महिमा क्लिनिक? जी हाँ साहब। कहाँ पे है ये महिमा क्लिनिक? सर, ये क्लिनिक है या खंडर? इसे देख के ऐसा लगता है जैसे महीनों से यहाँ पे कोई आया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सचिन,
रिक्शा वाला तो कह रहा था कि अंगद हर रोज यहाँ पे आता है। सर अगर वो यहाँ पे रोज आता है तब तो उसे यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए, इतनी गंदगी में वो काम कैसे कर सकता है? वही तो बड़ी अजीब बात है। नहीं सर, इतनी अजीब बात भी नहीं है। क्या मतलब है? तो शायद ये उजड़ा हुआ क्लिनिक दुनिया को दिखाने के लिए है। इस खुफिया दरवाजे के उस तरफ शायद इस क्लिनिक का असली चेहरा है। खुफिया दरवाजा? हाँ, अरे खुफिया दरवाजा उस मेडल कार्ड से खुलता होगा जो हमें अंगद के घर से मिला था। हाँ निखिल, कार्ड दो। सर देखो जरा दया, कहीं तो इसका स्लॉट होना चाहिए। फिर तो निखिल वो अलमारी ठीक से लगा दो। सब क्या है? बिल्कुल अलग दिखने वाली इस जगह में इस तरह का लैब बनाया हुआ है। वो कहावत बिल्कुल सही है सर, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, और किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखो। ओह नो सर, ये देखिए। माय गॉड, पहले कटा हुआ हाथ, कटी हुई टांग। सिर्फ कटी हुई टांग नहीं सर, शरीर के और भी कई कटे हुए अंग पड़े हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा। ये है सारा चक्कर। क्या हुआ सर? ये देखो, ये सारे जो नाम है ना इस लिस्ट में और ये नंबर्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट बिल्कुल वही है जो हमें उस मेमोरी चिप में से मिली थी। वही लिस्ट है ये। इसका मतलब जो बिजनेसमैन के नाम के आगे जो नंबर्स लिखे थे वो नंबर्स? हाँ सचिन, वो नंबर्स कोई खुफिया अकाउंट नहीं बैंक के, बल्कि सारे अलग अलग शरीर के अंगों के नंबर्स हैं। ये देखो, हर एक कंटेनर पर वो नंबर लिखा हुआ, बिल्कुल वही नंबर, वही नंबर। सर जिस तरह से सौरव को नए हाथ की जरूरत थी, उसी तरह इस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको किसी न किसी बीमारी की वजह से नए शरीर के अंग की जरूरत होगी। हाँ लगता है सर यहाँ पर गैर कानूनी व्यापार चल रहा था उसका। हाँ दया, और इस सौरव का हाथ यहीं से बाहर ले जाया गया होगा। अगर यहीं से हाथ ले जाया गया है तो फिर उसका खाली कंटेनर भी यहीं पर होना चाहिए। निखिल देखो जरा। सर हाँ, ये रहा वो खाली कंटेनर। ये देखो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम में सीट के नीचे क्यों रखा? और दो दो लाशें। दो लाशें, पलटो जरा। अजीब मुसीबत है सर, ये तो सौरभ है। सर लेकिन ये तो अपने लिए हाथ खरीदने आया था, इसे भला कोई क्यों मारेगा? उसी हाथ की वजह से मार डाला है सौरभ को, उसी हाथ की वजह से। जो भी ये सब कर रहे हैं ना वो समझ गए कि सौरव की वजह से हम उन तक पहुंचने वाले हैं। सीआईडी वाले सौरव को ढूंढते ढूंढते यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें इसी वक्त अपना सारा सामान बांध के निकलना होगा। अगर बॉस सीआईडी वाले यहाँ आ गए तो मार डालो केक को, कोई भी यहाँ से बच के निकलना नहीं चाहिए। पर बॉस हम अपना सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो, बड़े बॉस ने नया अड्डा तलाश कर लिया है, अब हमें बस बॉस का इंतजार करना है। बॉस यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, हम बस अपना सारा सामान लेकर निकलने वाले थे। वैसे बॉस ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे कहाँ? हमारा अगला अड्डा? हटाओ उसे। ओके बॉस, हमें यहाँ से जल्द
अपना सामान लेकर निकलना होगा। चलो जल्दी से अपने सामान समेटो। ए, तो अपनी जगह से नहीं लेगा। आपके साइन चाहिए थे। सीहड़ी, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जुर्म को पहचानने की हमारी पुरानी आदत है, और अगर गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हम बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। वैसे आप लोगों ने तीन तीन खून किए। तीन ही, सात। अब तुम चारों लोग भी गए काम से। अबे सात जन्म लेने पड़ेंगे हम में से किसी एक को भी मारने का सोचने के लिए, समझे? चला गोली, चला। अपने पापों का पूरा हिसाब नहीं देगा हमें? मुझे अपने काम में कोई बुराई नजर नहीं आती। जिन लोगों के पास हाथ नहीं होते उन्हें हाथ देते थे, जिनके पास पैर नहीं होते थे उन्हें पैर देते थे, जिनकी किडनी फेल हो जाती थी उन्हें किडनी, जिनका लीवर खराब हो जाता था उन्हें लीवर। आप भी बताइए कि अपंग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना कोई जुर्म है क्या? तुम अपंग लोगों के शरीर को नए अंग देने के लिए दूसरे लोगों के हाथ पैर काट लेते हो, ये कहां का इंसाफ है? हम किसी के हाथ पैर नहीं काटते थे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से हम हाथ पैर उगाते थे, उनका क्लोन बनाते थे। इसीलिए तो सौरभ के नए हाथ का डीएनए उसके साथ मैच करता था। मगर गैर कानूनी है ये इलाज, समझे? गैर कानूनी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसीलिए तो ये काम मैं चोरी छुपके किया करता था। पहले मैं इंश्योरेंस एजेंट बना ताकि मैं बीमार अमीर लोगों को ढूंढ सकूं जो मुझे एक एक अंक के लिए करोड़ों रुपए दे सके, और फिर मैं अपनी इसी लैब में उनके लिए शरीर के नए अंग बनाता था। और इस काम में अंग तुम्हारा साथ देता था? हाँ, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्यों अंगद के अंदर का लालच जाग उठा। अंगद, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बॉस, सब ठीक ठाक चल रहा है। वेरी गुड, लगे रहो। देखना एक दिन मैं अपने इस गैर कानूनी इलाज के दम पर पैसों का बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। वाह, अपने लिए पैसों का महल और हमारे लिए झोपड़ी, लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी हुई ना। मतलब ये कि अब हमें आपके फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए हमें, और वो भी पूरी 50-50 की साझेदारी। हो तो तुम्हें साझेदारी चाहिए? अरे ऐसा बोलना था ना यार, शर्मा क्यों रहा था? देखा अंगद, मैंने क्या कहा था, मुकुंद भाई कितने दरिया दिल है, पार्टनरशिप की बात सुनकर नाराज नहीं होंगे। मैं क्यों नाराज होने लगा भला? अरे तुम दोनों के बिना ये काम हो सकता है क्या? आजा मेरे पार्टनर, मेरे गले लग जा। चलो पार्टनर। बोल अंगद, तुझे भी पार्टनरशिप चाहिए या जितना मिल रहा है उसमें खुश है तू? अरे ये क्या किया तुमने, रवि का खून कर दिया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। हे अंगद रुक जा। और इसीलिए अंगद ने वो हाथ उस ऑडिटोरियम की सीट के नीचे छुपा दिया ताकि तुम्हारी ये पाप की लंका बसवसात हो जाए। जब सौरभ को ये पता चला कि उसका नया हाथ आप लोगों के हाथ में लग चुका है तो वो मुझे धमकाने लगा, इसीलिए मुझे उसे भी अपने रास्ते से हटाना पड़ा। एक तरफ अपंग लोगों के लिए नए अंग बनाने की बात करते हो और दूसरे तरफ तीन तीन लोगों की जान लेते हो, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.